खबर संगरूर तो आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने संगरूर विच मीडिया नाल गलबात की अते पंजाब च चल रही सरगर्मियां बारे जाणू करवाया। इस मौके उन्होंने आम आदमी पार्टी छड़ के गए सुखपाल सिंह खहरा नूं आड़े हाथी लिया ते पंजाब च चल रहे ट्रांसपोर्ट माफिया की भी गल की। उन्हां वल्लों ये भी कहा गया कि पंजाब कृषि प्रधान सूबा है लेकिन 75% असामियां कृषि विभाग नाल संबंधित खाली पईआं ने जिहदे चलदिआं किसानां नूं भारी नुकसान चकना पै रहा है और दफ्तरां विच मुलाजमां दी घट गिणती करके पूरियां सहूलतां किसानां नूं फिलहाल नहीं मिल सकरियां। हर सरकार वल्लों कहा जांदा है कि असीं किसान हितैषी हाँ लेकिन कृषि विभागां विच जिहड़ियां 75% असामियां खाली पईआं ने उन्हां नूं भरन की जरूरत ते भी उन्होंने जोर दिता। देखदे हां की है यह पूरा मामला। देखो पंजाब जिहड़ा हैगा खेतीबाड़ी निर्भर सूबा गा। पंजाब दे विच जेकर सब तो वध कमाई या साधन ने खेतीबाड़ी तो आउंदे ने गे। पहला जिहड़े साबका मुख्यमंत्री ने 4.5 साल वो अपने महिलां चों बाहर नहीं आए, 4.5 साल वो अपने घरां च रह के उन्होंने ऐश परस्ती दे विच अपनी जिंदगी बतीत की। उन्होंने एजेंडे ते ना पंजाब सी, ना पंजाब का किसान सी, ना पंजाब की खेती सी। तुसीं मैनूं दसो जेकर साडे ऑफिसर ही है नहीं, जेकर खेतीबाड़ी अफसर ही है नहीं तो पंजाब जिहड़ा कि खेतीबाड़ी निर्भर सूबा गा उहदे विच किसान नूं किवें पता लगेगा कि चिट्टी मक्खी ने हमला करता, गुलाबी मक्खी ने हमला करता, जां बीज घटिया आ गए, बीज खराब आ गए। यह तां ही सानूं पता लगेगा ना जेकर साडे कोले खेतीबाड़ी अफसर होणगे। अज लगभग पंजाब का खेतीबाड़ी महकमा 75% जिहड़े खेतीबाड़ी अफसर ने उन्हां तों बिना ही चल रहा है। सो मैं समझदा रब दे आसरे जिहड़ा खेतीबाड़ी महकमा चल रहा उह सरकार कहिंदी आ असीं किसान दे पक्ष दे विच आ करता, असीं किसान दा कर्जा माफ़ करन दी गल करदे, पर लेकिन अफसरां दा ना होणा इस गल दा सबूत आ कि पंजाब सरकार दे एजेंडे ते खेतीबाड़ी जिहड़ा कर रहा किसान उह है नहीं। कल्ला आपां संगरूर बरनाला जां पटियाला दी गल नहीं जां लहरागढ़ दी गल नहीं, पूरे पंजाब दे विच बहुत सारियां पोस्टां नंबर ऑफ पोस्ट जिहड़ियां ने वेकेंट पईआं ने, सरकार भर नहीं रही। एक पास तां सरकार कह रही कि घर घर रुजगार देवांगा और दूजे पासे खाली पोस्टां आवाज़ां मार रही कि सानूं भरिया जाए। खाली पोस्टां कह रही ने कि हाँ इत्थे आके बंदे अपॉइंट किए जाण ताकि किसान नूं समय सिर पता लग सके कि मेरी फसल ते आ हमला हो रहा है, मेरी फसल ते आ जिहड़ा हैगा अपना लाल सुंडी चिट्टी मक्खी आ रही है। सो मैं समझदा एक सोची समझी साजिश दे अधीन जिहड़ा हैगा सरकार खेतीबाड़ी सैक्टर नूं, चाहे वह पहला वाली सरकार आ या होने वाली सरकार आ, खेतीबाड़ी सैक्टर नूं तबाह करना चाहुंदी आ। मैं मुख्यमंत्री साहब तो मंग करदा कि तुरंत जिहड़ियां खाली पईआं पोस्टां नेगियां वो तुरंत भरिया जाण, जिहदे नाल मैं समझदा पंजाब दे बेरोजगारां नूं रुजगार भी मिलेगा और पंजाब दा जिहड़ा खेतीबाड़ी महकमा वो भी ताकतवर हो जूगा और दूजा किसान नूं समय सिर पता भी लग जूगा कि मेरी कणक नूं, मेरे झोने की फसल नूं, मेरी नरमे की फसल नूं किहड़ी सुंडी का हमला हो रहा या इस नूं किस चीज़ की हुण जरूरत आ, किहड़ी खाद की जरूरत आ और किहड़े बीज की जरूरत आ, किसान नूं भी पता लग जूगा और किसान भी मैं समझना एक अच्छी खेती कर सकूगा। देखो बहुत सारिया बसा हजे भी लिपा पोची हो रही आ, एक दो बसा फड़ के दो चार बसा फड़ के अपने आप नूं हीरो साबित करन दी गल जिहड़ा राजा बड़िंग जी कर रहे हैं। अज भी उन्होंने साथी कांग्रेस पार्टी के कुलीग मनप्रीत सिंह बादल की उन्होंने सिस्टर की कंपनी, जिस तरह उन्होंने मैनू कहा उन्होंने भैन की कंपनी वाल पंजाब सरकार का बकाया खड़ा गा, उन्होंने बसा क्यों नहीं फड़ के अंदर बंद की गई, जिहड़े कांग्रेसी ने वड्डे वड्डे उन्होंने बसा फड़ के क्यों नहीं अंदर बंद की गई। सो मैं समझदा राजा बड़िंग जी छोटिया मोटिया कार्रवाइया करके एक दो बसा फड़ के शहीद होने का यतन करते हैं। अज पंजाब ट्रांसपोर्ट माफिया जिस माफिया के जन्मदाता है कोई शक नहीं कि श्रोमणी अकाली दल BJP आ, प्रकाश सिंह बादल का परिवार हैगा वो अज माफिया उस तरह चल रहा, इक्का दुक्का बिल्कुल कोई शक नहीं कि इक्का दुक्का बसा फड़िया जा रही ने। सो उहदा पंजाब के लोगों को कोई फायदा नहीं, टोटल जिहड़ा वड्डा माफिया उहनूं नत्थ पाई जाए और खास करके अज मैं समझदा कांग्रेसियां दीआं अकाली दल वाले बसा जिहड़ियां कंपनियां उस तरह चल रही, बहुत सारा टैक्स भरन दे उत्तों इन्होंने कंपनियां नहीं भरिया, उन्होंने कंपनियों के खिलाफ़ तुरंत राजा बड़िंग जी नूं कार्रवाई करनी चाहिए, तुरंत उन्हां लोगों की प्रॉपर्टी जिहड़ी आ अपना लेनी चाहिए, चाहे वह मनप्रीत सिंह बादल का परिवार आ या सुखबीर सिंह बादल का परिवार आ या कांग्रेसी ने उन्होंने प्रॉपर्टी जी तुरंत जब्त की जानी चाहिए। गलबात फोन पर ना ऑफिशियली ना ऑफिशियली नहीं हुई, तुम उन्होंने फोन पर गल करके उन्होंने वर्शन ले सकते हो। देखो आम आदमी पार्टी पड़ावार अपन लिस्टों का अनाउंसमेंट कर दी जाऊगी,
अज पहलियां 10 होईयां ने कल हौली हौली सारिया 117 दी टिकटां अनाउंस करांगे। और दूजी रही गल जिहड़ी हॉर्स ट्रेडिंग अज कांग्रेस पार्टी कर रही है, थोड़ा पिछे चले जाइए आप 5 साल पहला, इस तरीके की खरीदो फरोखत जिहड़ी आ उह अकाली दल ने कीती सी, श्रोमणी अकाली दल ने कीती सी। और उस समय की होया सी, कांग्रेस पार्टी उस समय अपोजिशन दे विच सीगी, बहुत रौला पाउंदे सीगे, रोंदे सी जाखड़ साहब, उस समय कैप्टन साहब भी बहुत रोंदे हुंदे सीगे कि साढ़े MLA नूं खरीदिया जा रहा है। वह सारे दे सारे जिहड़े दल बदलू करके कांग्रेस पार्टी चों अकाली दल दे विच गए सीगे, जिन्हां ने उस समय लोगों की पिटछिरा मारिया सीगा, लोगों के विश्वास नूं तोड़िया सीगा। चंद महीनों बाद जो 2017 की इलैक्शन हुई वो कितने लभे नहीं है। एक मिनट जी, एक मिनट, उन्होंने जमानत जड़िया लोगों ने जब्त कराइया सगिया। सो जेकर कांग्रेस पार्टी ने कम किया हों, जेकर पौने 5 साल लोगों दिया दुखों तकलीफों का हल किया हों, अज उन्होंने ये खरीदो फरोखत करन दी जरूरत ना पैंदी। जेकर अज खरीदो फरोखत कर रहे हैं तो यह मतलब स्पष्ट आ, साफ आ कि उन्होंने लोगों के मसलों हल नहीं किया। जिन्हों गलों लैके कांग्रेस पार्टी सत्ता च आई सी उन्हों मामलों काम नहीं किया। अज भी पंजाब जवाब मंगता गा कि गुरु ग्रंथ साहब के दोषी जिन्होंने बेअदबी की है कदों जेल जाएंगे, 5 साल होने जा रहे हैं। अज भी पंजाब जवाब मंगता गा कि घर घर रुजगार कदों मंगूगा मिलेगा पंजाब के नौजवानों, टैंकियां टावर से भुख हड़तालों से मरण वरतों से नौजवान पंजाब का बैठा गा। अज भी पंजाब का किसान खुदकशियां कर रहा गा करजा माफ़ी की बेट दे विच के कदों साडा पंजाब का करजा माफ होगा। अज भी पंजाब के बुजुर्ग लोग विधवावां 2500 पेंशन की मंग कर रही ने कदों लागू होगी। अज भी 51,000 सगन स्कीम की वेट हो रही है पंजाब दे विच। अज भी पंजाब विच माफिया राज के खात्मे नूं लैके उहदी वेट हो रही है कि कदों पंजाब विच जिहड़ा माफिया राज खत्म होगा। सो पंजाब के लोगों को पता गा कांग्रेस पार्टी हैगी आ ड्रामेबाजा की पार्टी आ, जिन्हें मर्जी ड्रामेबाजी कर लैन। इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आऊगी, जिन्ना मर्जी है जोर ला लैन। 2017 दे विच अकाली दल, BJP, कांग्रेस पार्टी, RSS ये चारों ने इकट्ठे होकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ इलैक्शन लड़ी सी, पर इस बार सारा पंजाब इकट्ठा होकर पंजाब के आम आदमी इकट्ठे होकर इन सारिया पार्टियां के इलैक्शन खिलाफ लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी जित प्राप्त। जिहड़ा पूछा गया विक्की जी ने 2015 दे विच जदों यह मुकदमा सरदार सुखपाल सिंह खहरा के साथियों से रजिस्टर्ड होया सीगा, जदों उन्होंने जांच दे विच शामिल किया गया सीगा, जदों उन्होंने जांच दे विच शामिल किया गया सी, उस समय पंजाब विच किहदी सरकार सी? श्रोमणी अकाली दल BJP की सरकार सी। सुखपाल सिंह खहरा जी की कहिंदे सीगे याद करो, तुहाडे तुसीं लिखिया, तुसीं आपदे कैमरियां ते दिखाया की कहिंदे सी कि मैनू अकाली दल वाले फसा रहे ने, मैं पाक साफ ईमानदार आदमी हाँ, मैनू अकाली दल वाले फसा रहे ने। उस बाद अकाली दल ने फसाया नहीं, अकाली दल ने उन्हें बचाया, उहदा नाम चार्जशीट दे विच नहीं आया, उहदा नाम जिहड़ा हैगा मुकदमे च नहीं आया। उस तो बाद कोर्ट ने खुद अदालत ने खुद सू मोटो लेंदे होए उन्होंने समन किया, अदालत ने किया सू मोटो लेंदे होए, फिर की कहिंदे कि मैनू उस समय कोई कांग्रेस पार्टी आ गई सी, मैनू कांग्रेस पार्टी की सरकार जिहड़ी आ फसा रही आ, मेरे ते झूठे इल्जाम ला रहे, जबकि मामला बिटमिन दी सुखपाल सिंह खहरा ने अदालत सीगा। और उस तो बाद हुण उह मामला पहुँच गया कित्थे, देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट दे विच पहुँच गया। हुण की कह रहे हैं कि पहला थोड़े दिन पहला की कहिंदे सीगे जदों ED ने उन्होंने घर ते छापे मारे ने उस समय की कह रहे सीगे कि मेरे उत्ते BJP फसाउण दा यतन कर रही है क्योंकि मैं किसानां दी मदद कर रहा। उदों किसानी अंदोलन का मतलब मोढ़ा लैके बचन का यतन करते थे, हुण कहते कि आम आदमी पार्टी। मेरी उन्होंने एक तो बेनती है कि अपना डिफेंस एक रख लो, क्योंकि मुकदमा हो गया तुहाडे ते, डिफेंस एक रख लो। जो चार पाँच डिफेंस होंगे ने ना, क्योंकि मैं वकील हाँ, तो उस तो बाद वो हशर की होंगे सानू पता, या जो जजमेंट आऊ उदो पता लगेगा। सो ये जिहड़े झूठे दोष लाए जा रहे हैं ये सारे राजनीति तो प्रेरित ने। जेकर वह इस तरह की जिहड़ी गल कर रहे अज्ज जदों ED ने उन्होंने समन किया, ED फड़न जा रही है, तो हुण आ के बोल रहे हैं कि वह 6-7 साल चुप क्यों रहे, 7 साल चुप क्यों रहे। सो मैं समझदा इस तरह की ड्रामेबाजी बंद करके उन्होंने जी जिहड़ा उन्होंने केस चल रहा उसे ध्यान देना चाहिए। और मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि मामला अदालत के अधीन आ। देखो पंजाब के मुख्यमंत्री ना जिस तरह 2017 तो पहला जो इलैक्शन हो रही थी कैप्टन साहब कहते मैं गुटका साहब की सहु चक ली, 4 हफ्तों नशा खत्म कर दूंगा,
घर घर कार्ड भर के देकर जा रहे थे घर घर तुहाडे किन्ने बच्चे ने जी दो ने तीन ने तुहाडे तिना बच्चों ने नौकरी उस तरह दी अनाउंसमेंटा जिहड़ियां 2017 तो पहला हो रही सी उस तरह दी अनाउंसमेंटा नूं जिहड़ा हैगा पंजाब दे मानयोग सीएम साहब रिपीट कर रहे हैं दोबारा जिहड़ा दोहरा रहे हैं गे सो इन्हां दे नाल इन्हां अनाउंसमेंटा दे नाल पंजाब दे लोकां दा ढिड नहीं भरना ये गल्लां दे कड़ाह दे नाल पंजाब दे लोकां नूं कोई फायदा नहीं होना। संगरूर तो गुलजार मल्ली दी रिपोर्ट। फ्री लीफ आयुर्वैदिक ऑयल 125 बीमारियों का संपूर्ण इलाज जिमें गठिया सर्वाइकल माइग्रेन अते शरीर विच किसी भी किस्म की दर्द क्यों ना हुंदी होवे इत्थों तक कि ब्लॉकेज दे नाल बनिया कई बीमारियों का इको एक इलाज है फ्री रिलीफ आयुर्वैदिक ऑयल यानी कि 125 बीमारियों का संपूर्ण इलाज। फ्री रिलीफ विजिलैक्स वेट लूज मोटापे तो परेशान होने की जरूरत नहीं वजन घटाओ ते खुश हो जाओ। फ्री रिलीफ पावर मर्दाना कमजोरी नू खत्म करता है ते नरक भरी जिंदगी विच लियांदा है रौनक। फ्री रिलीफ पावर कब्ज़ तो परेशान होने की हुण जरूरत नहीं है कब्ज़ तो छुटकारा पाउण लई आ गया कब्ज़ हर चूरन। कब्ज़ हर चूरन नू अपनाओ ते कब्ज़ तो छुटकारा पाओ। हुण तक लखां मरीज लै चुके ने फायदा वधेरे जानकारी लई तुसी संपर्क कर सकते हो 9478484087 नंबर एक बार फिर तुसी नोट कर सकते हो 9478484087।